मिस्टर एंड मिस सेंट्रल इंडिया आइकॉन 2017 के ऑडिशन मध्य भारत के चुनिंदा शहरों में लिए जाने वाले हैं, जिनकी शुरुआत नागपुर ऑडिशन से की जा रही है। मिस्टर एंड मिस सेंट्रल इंडिया आइकॉन 2017 को कई बॉलीवुड हस्तियों के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इस ऑडिशन का उद्देश्य मध्य भारत में छिपी हुई प्रतिभाओं को ढूंढना है, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नागपुर, पुणे, छिंदवाड़ा, रायपुर, अमरावती और दूसरे शहरों में लिए जाएंगे। इस कॉन्टेस्ट के जज खिजर हुसैन, लीडिंग कोरियोग्राफर सेंट्रल इंडिया, सनी फ्रांसिस मिस्टर इंडिया 2013, अभिजीत फुलफेज जूरी मेंबर। यह कॉन्टेस्ट साजिद कुरैशी के द्वारा किया जा रहा है। मैं पहले वर्ड में बोलूंगा, मेरा नाम सनी फ्रांसिस है एंड मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ, मैं अगर एसोसिएट हूँ तो सबसे पहले आएगी ऑनेस्टी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस फील्ड में काफ़ी पेरेंट्स लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है इस बात की कि उनके बच्चे अगर जाएंगे तो बिगड़ तो नहीं जाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले ये हमारी साज इवेंट जो डायरेक्टर है साजिद से यही बात हुई है कि हम ऑनेस्टी से काम करेंगे एंड हमारा जो शो होगा उसका जो रिजल्ट आएगा बड़ा ऑनेस्ट आएगा और हम चाहेंगे कि जो टैलेंट है वो अच्छे से ग्रूम होके अच्छे से बढ़िया से जैसे खाना बनता है, जैसे नॉडी भाई का निज़ाम किचन हमारे जो पार्टनर है जिस प्रकार से वो उनकी बिरयानी पूरी पकती है, हम कच्चा ना रखे हैं उसको और पूरी तरीके से पका के एक अच्छे कंटेस्टेंट हम सामने लेके आए सेंट्रल इंडिया से, ना कि नागपुर।